पीआईए की निजकारी पर काम जारी, एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं नुकसान वाले इदारों की निजकारी करेंगे, गवर्नर्स को बेहतर और बिजली कंपनियों को प्राइवेटाइज करना है। तवानाई के नुकसान को नहीं रोकेंगे तो कीमतें बढ़ेंगी। रवा साल 9.4 ट्रिलियन की महसूलात का टारगेट है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा आईएमएफ का कम अज़ कम 3 साल का प्रोग्राम चाहिए। 14 और 15 अप्रैल को आईएमएफ से मुज़ाकरात होंगे, कोशिश होगी स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुँच जाएँ। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका मफादात कौंसिल की तश्कीलें नो कर दी। मुश्तरका मफादात कौंसिल की तारीख में पहली बार वज़ीर खजाना की जगह वज़ीर खारजा को शामिल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 8 रुकनी मुश्तरका मफादात कौंसिल के चेयरमैन होंगे। 4 वज़रा आला बतौर मेंबरान शामिल होंगे। वज़ीर खारजा इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर सफरान अमीर मकाम भी CCI में शामिल। नोटिफिकेशन जारी। सेनेट इंतखाबात के लिए तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। इस्लामाबाद और कराची की प्रिंटिंग प्रेस में बैलेट पेपर्स की छपाई जारी। ज़राए इलेक्शन कमीशन सेनेट इंतखाबात के लिए 2 कॉलम बैलेट पेपर्स छापे जा रहे हैं। जनरल नशस्तों के लिए सफ़ेद रंग का बैलेट पेपर इस्तेमाल होगा, जबकि टेक्नोक्रेट की नशस्त के लिए सब्ज रंग का बैलेट पेपर इस्तेमाल किया जाएगा। खवातीन की मखसूस नशस्तों के लिए गुलाबी रंग, गैर मुस्लिम नशस्तों के लिए पीले रंग का बैलेट पेपर छापा जा रहा। वफाकी वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में चीनी सिफारतखाने आमद। मोहसिन नकवी की शांगला हमले की तहकीकात के लिए चीन से आई खसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने चीनी टीम को हमले के बारे में अब तक होने वाली तहकीकात से आगाह किया। चीनी शहरियों के तहफ़ुज़ और मजमूई सिक्योरिटी के इंतजाम पर तबादले ख्याल। वफाकी वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी की भी चीन के सफीर से मुलाकात। कहा शांगला हमले के असल मुलजमान को कानून के कटहरे में लाएंगे।